15 मिनट में आ रही हूँ। ओके बाय। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने मुंबई की एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। एक लड़की रोजाना की तरह अपने दैनिक कार्य करने में व्यस्त थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके हर कदम को रिकॉर्ड किया जा रहा था। आखिर कौन कर रहा था ये और क्यों? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमें कुछ अरसे पहले घटी घटनाओं पर नजर डालनी होगी। आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मुंबई आऊं या ना आऊं। डोंट वरी, आई एम इन मुंबई। लेकिन रहूंगी कहाँ? जॉब भी तो नहीं है। जब आओगी तब जॉब मिल जाएगी। एंड डोंट वरी, तुमसे रेंट नहीं लूंगी। लॉल, कम एएसएपी। Yep, I will. Okay, bye. Take care. Bye. पैर हटा ना। लो। पापा। पापा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। पापा, मुझे मुंबई जाना है। मुंबई? मुंबई? मुंबई किस लिए? मम्मा, जो मैंने पढ़ाई की ना फैशन डिजाइनिंग, उसका बहुत स्कोप है वहाँ। यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। पर वहाँ रहेगी कहाँ? और फिर इतनी दूर हम तुझे अकेले कैसे भेज सकते हैं? मम्मा, सब फिक्स हो गया है। मेरी एक फ्रेंड रहती है वहाँ, और फिर थोड़ा ट्राई करूंगी तो जॉब तो मिल ही जाएगी। मम्मी, दीदी बड़ी हो गई है, उसको अपना सही गलत पता है। जाने दो ना, प्रॉब्लम भी क्या है? पापा ये बैठे हैं तुम्हारे पापा, मैं कुछ नहीं जानती, इनसे बात करो। पापा प्लीज। बेटा, रहने का इंतजाम हो गया है? हाँ, वो सब हो गया पापा। तो ठीक है। यस, मम्मी। पहुंच गई। हाँ हाँ, सब ठीक है। मम्मी पापा से कहना टेंशन ना ले। हाँ ठीक है, मैं श्वेता के घर पहुंचते ही इन्फॉर्म करती हूँ। चल ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर ये एड्रेस बता देंगे? कुछ स्ट्रेट फ्रॉम हियर, और जो पहला लेफ्ट आएगा ना, वो लेफ्ट मारते ही तीसरी बिल्डिंग गिरेगी। ऑलराइट? गिरेगी? गिरेगी क्यों? वहीं तो जाना है। अरे, I'm sorry, मेरा मतलब है कि जो पहला लेफ्ट है ना,
वहीं पे वो बिल्डिंग है। ओह अच्छा, वही मैंने सोचा। नहीं एक्चुअली यहाँ की लैंग्वेज ही वही है, हम ऐसे ही बात करते हैं। थैंक्स। माय प्लेजर। Obviously, पता तो चल जाता ना कौन अच्छा और कौन बुरा है। Really? I'm so lucky. अच्छा now tell me, कौन-कौन से fashion houses में जाना है? शादी करनी है। शादी? तो फिर इतनी जल्दी क्यों है तुझे? Relax कर, chill मार थोड़ा सा, मैं सब बताती हूँ। अच्छा ठीक है, ये बता, how much should I pay? I mean, rent. What will be your status? Friendship या PG? Friends? तो फिर पैसों की बात क्यों करें? पागल है? Thanks a lot, Shweta. Don't be so formal, यार. I really mean it. Oh my God, you're looking so pretty. Thanks, यार. अच्छा सुन. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? और तब तक मैं और डिजाइनर्स के कॉन्टैक्ट निकालते दे रही हूं। ओके थैंक्स श्वेता, बाय। बाय। रिक, सॉरी 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 बोलने की कोई जरूरत नहीं है, एड्रेस बताइए मैं गाइड कर दूंगा। बंगलो नंबर 135 अहिंसा मार्ग। हाँ एक काम करो, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, ऑलराइट? पहला लेफ्ट मारते ही सेकेंड राइट कॉर्नर पे गिरेगा। ए, नहीं नहीं नहीं, गिरेगा नहीं, सेकेंड राइट कॉर्नर पे तुम्हारा एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा, ऑलराइट? अगर गिरता तब भी चलता। आई कांट बिलीव दिस, तुम लड़कियां ये सब बातें इतना जल्दी कैसे अडॉप्ट कर लेती हो यार? आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड। एनीवेज उस दिन मैंने तुम्हें जो एड्रेस गाइड किया था वो एड्रेस तुम्हें मिला? हाँ मिल गया था, थैंक्स टू यू। माय प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। श्वेता से सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई थी और कुछ ही वक्त में उसकी उससे काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। रोशनी ने श्वेता के साथ मुंबई में रहने का फैसला कर लिया, लेकिन श्वेता के बारे में बिना कुछ जाने रोशनी ने उस पर भरोसा कर लिया था। क्या उसका इस तरह किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना सही था?
और वही तुषार का इस तरह मिलना और फिर उसका रवैया भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। गुड मॉर्निंग, 9 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग यार। क्या हुआ, चाय बना दूं? यार मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैं चाय बना देती हूँ, तुम कोई मेडिसिन ले लो। इट्स ओके, जस्ट अ बैड हैंगओवर, ठीक हो जाऊंगी। वैसे तो इतना सरसर के कहाँ जा रही है सुबह सुबह? एक इंटरव्यू कॉल था बट शायद पोस्टपोन हो गया, देखती हूँ कहीं और ट्राई कर लूंगी। कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। चल बाय। बाय, टेक केयर। हे हाय तुषार, तुम यहाँ? मैं बस यहीं पास में रहता हूँ। तुमने बताया नहीं पहले कभी? रोशनी, तुमने मुझे पूछा नहीं पहले कभी? I'm just kidding. और आज कोई address पूछने का मन नहीं है? Don't be sarcastic. Job ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कब मिलेगा। Job? कैसा job? किसी fashion designer को assist करना चाहती हूँ। फिर मैं fashion designer? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I know few people around और मैं भी एक small time photographer हूँ। Really? Yes. क्योंकि तुम बहुत लोगों को जानते होंगे। मैं बहुत जनों को जानता हूँ। रोशनी तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना सीवी दे दो और जैसे भी कुछ भी होगा लेट यू नो। ऑलराइट, थैंक्स तुषार। रोशनी यार, आई मीन नो थैंक्स, ओके? ओनली कॉफी। पक्का? ऑलराइट, बाय बाय बाय। कैसे हो आप और वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वैसे भी थोड़ा टाइम तो लगता है ना, बट आई एम सेटलिंग डाउन स्लोली। अच्छा तू बता, मम्मी पापा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। ये बताओ, श्वेता दी आपकी हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, उसने कहा है बताएगी। एक बंदा है तुषार, फोटोग्राफर है, उसने कहा है कि वो भी बात करेगा। तुषार, क्या बात है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अभी अभी फ्रेंडशिप हुई है, अच्छा लड़का है, हेल्पफुल है। हाँ। अच्छा सुन मीरा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, उसी का कॉल आ रहा है। ओके बाय। हेलो। हे रोशनी, व्हाट्स अप? आई एम गुड, तुम बोलो। रोशनी, इफ यू रिमेम्बर, तुम्हारी कॉफी ड्यू है, लेट्स कैच अप, मिलते हैं अभी। हाँ, आई मीन यही पास में है। अच्छा ठीक है, सी यू, बाय। मैं आती हूँ, किसी से मिलना है। किसे मिलने जा रही है इतना सच धज? वो एक बंदा है, मिलकर आती हूँ फिर बताती हूँ। बंदा? लिसन, ये बॉम्बे है, पहले उसको परखना, देखना, उसके बाद उसको ट्रस्ट करना। और ये जो तेरा स्मॉल टाउन एटीट्यूड है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो बी वेरी केयरफुल। मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रोशनी, एक्चुअली मैं तुम्हें हमेशा से ये बात कहना चाहता था, मैं जब से तुम्हें मिला हूँ ना, मैंने हमेशा तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ एक ही चीज देखी है, पता है क्या? सादगी। मतलब? मेरा मतलब ये है कि आज की लड़कियों को देखो, मेरे पास ये ब्रांड का बैग है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये गाड़ी है, शो ऑफ। और तुम कितना, आई मीन फेस टू फेस, यू नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, एकदम सिंपल। Really? अच्छा वो तुम कह रहे थे किसी डिजाइनर से बात करोगे तो? Oh, I totally forgot. Actually, तुमने जिस दिन मुझे सीवी दी थी ना, मैंने उसी दिन अपने फ्रेंड को फोन किया था।
बट शी इज आउट ऑफ टाउन फॉर सम वर्क और वो जैसे आएगी बॉम्बे द फर्स्ट थिंग आई डू इज तुम्हारी मीटिंग ओके ऑलराइट कॉफी रोशनी तुषार के व्यक्तित्व से आकर्षित थी। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना भी बढ़ गया था। रोशनी ने अपनी बहन मीरा को भी ये बात बताई थी। श्वेता को भी रोशनी और तुषार के रिश्ते की सुगबुगाहट होने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच कोई रोशनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए था और उसे एक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा था। आखिर कौन था इन सब के पीछे? क्या तुषार रोशनी को फंसा रहा था या फिर मामला कुछ और ही था? आई कैन इजली मेक आउट। कौन है बता? बॉयफ्रेंड? बोल बोल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? चेहरे का रंग ही बदल जाता है जब कोई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुषार है, पास में ही रहता है, फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर? हाँ। अच्छा सुन, मैं दो तीन दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ फैशन शो के लिए। अगर तू चाहती है तो इस नाइस पर्सन को घर पे बुला सकती है। अरे मेरा मतलब है कि तू अकेली रहेगी घर में, बोर हो जाएगी। Stop being so boring. Have fun. Nice house. Thanks. Will you have coffee? I don't mind. तुम बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ. Alright. अरे ये क्या कर रहे हो? रोशनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? I mean, तुम्हारे हाथ की पहली कॉफी. Priceless moment को capture तो करना बनता है ना। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ये क्या कर रहे हो? Romance. Stop it! Stop it, Tushar. हेलो, हाँ हाँ बस 15 मिनट में आ रही हूँ। ओके बाय।
देखो रोशनी, तुम ये क्विज कॉन्टेस्ट मत खेलो। मैं पहले नर्वस हो गया। नर्वस? व्हाई? व्हाट? तुम सिर्फ सुनती रहो, मैं बोलता रहूंगा। रोशनी, आई सीरियसली डोंट नो मैं कहां से शुरुआत करूं इस बात की। यू नो व्हाट रोशनी, हम लाइफ में अक्सर नए नए लोगों से मिलते हैं। इनको मिलने के बाद कुछ लोग अपने से लगते हैं और कुछ पराए से। मेरी बचपन से ये इच्छा थी, पता है क्या, कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आए जिसे देखते ही मेरे दिल बोले कि यस, शी इज द वन। ट्रस्ट मी ऑन दिस रोशनी, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा ना फर्स्ट टाइम, आई वाज ब्लैंक। तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मुझे मेरी पूरी लाइफ गुजार। I love you, Roshni. I seriously love you. I love you too, Tushar. Huh? But मुझे नहीं पता था कि हमरा पकड़ने वाला इतना romantic हो सकता है। अब तुमको पता चल गया ना यार, अब can you just hug me? Oh, love you so much. I don't drink. मैं drink नहीं करती। Roshni, I agree to it. But आज special occasion है, right? और सबसे बड़ी बात ये है कि हम दोनों प्यार करने वाले आज एक हो गए। मेरे लिए please. ठीक है। But first and last time. I promise, पक्का। कैसी है? अरे तुझे क्या हो गया? भूत देख लिया तुमने? नहीं, वो मैं अभी उठी थी।
क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत टेंशन में लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I'm fine. You sure? तुषार, ये सब क्या है तुषार? रोशनी, तुम अपने घर पे जाओ, मेरा एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, मैं कंप्लीट करके आता हूँ। व्हाट असाइनमेंट है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। रोशनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। आई कहाँ हो? कौन है वहाँ? I'm waiting for you, baby. ये सब क्या है तुषार? कौन है अंदर? तुम मुझे चीट कर रहे हो? या First days. You know what? कौन है अंदर, क्या कर रहा हूँ, ये सब छोड़ दो। तुम्हें देखते ही मेरी नजरों ने कहा कि ये लड़की एक ही बार में ना, और वही हुआ, फर्स्ट टाइम में ही तुम। और वो सब बातें जो तुमने मुझसे कही थी, कौन सी बातें? बातें तुमसे कही थी? I mean, अबे सब डायलॉग्स, यू नो डायलॉग। हाँ, और तुम जैसी सती सावित्री लड़की है ना, बस दो चार लाइन दे दो और तुम ऑन द बेड। समझ कहो तुषार, आई नो यू लव मी। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो प्लीज मुझसे कहो। ये सब बकवास बंद करो यार, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुमको पता है तुम जैसी लड़कियों के लिए ये प्यार होता है, ये सपने होते हैं, ये राजकुमार होता है, पर मेरे लिए तुम जैसी लड़की पहले दिन पहली बार में बैड। पागल हो गया तुम? ये रोके किसको दिखा रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम रोगी और मैं बोलूंगा कि आई लव यू? नो, आई डोंट लव यू। ओके, अब ये रोना वोना बंद करो और मेरे घर से बाहर निकलो। बिफोर आई पुश यू आउट फ्रॉम दिस हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। जस्ट गेट आउट, मेरे घर से बाहर जाओ। रोशनी के सामने तुषार के चेहरे पर से मुखौटा उतर चुका था। जिस तुषार पर उसने इतना भरोसा किया था, वो उसके भरोसे को इस तरह तार तार कर देगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वही रोशनी अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसके नाम से एक आपत्तिजनक प्रोफाइल इंटरनेट पर लगातार चलाई जा रही थी। क्या वाकई में इन सब के पीछे तुषार था, या फिर रोशनी लगातार किसी और ही साजिश का शिकार बन चुकी थी? माँ पापा को पता चलेगा तो वो क्या होगा? तुमने सोचा है? मेरा तुम क्या बोले जा रही हो? वो वीडियो दीदी, तुमने देखा नहीं? What video? जो तुमने बनाया है दी, वो वाला वीडियो। मेरा listen, please clear out. क्या बोल रही हो तुम? तुमने देखा नहीं? मैं तुम्हें लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, उसमें तुम किसी लड़के के साथ हो।
क्या नाम बताया? सश्वेता। तुम्हारा नहीं, इसका। रोशनी पांडे। कोई परेशानी थी इसको या किसी तरह का डिप्रेशन था? नहीं सर, ज्यादा किसी से बात तो नहीं करती थी और अपने में ही रहा करती थी। हवलदार, मैडम का स्टेटमेंट ले लो और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ओके? रोशनी को जब मीरा के जरिए अपने आपत्तिजनक वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो बहुत बुरी तरह हताश हो जाती है और आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है। एक तरफ जहां रोशनी के माता पिता शर्मिंदगी की वजह से इस केस के बारे में जानने को तैयार नहीं थे, वहीं रोशनी की मौत अपने आप में ही कई सवाल छोड़ गई थी। रोशनी, आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से रोशनी ने ये कदम उठाया? कुछ पता नहीं। देखिए, आप लोग धीरज रखिए और आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, हम लोग डेड बॉडी भिजवा देंगे, ठीक है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलिए। टीवी पर एक वीडियो बना रही जिसमें वो और दीदी बहुत अजीब तरीके से थे। हाँ प्रशांत, कुछ पता चला? हाँ सर, रोशनी पिछले कई दिनों से इस नंबर पे बात कर रही थी। पता लगाया तो ये नंबर किसी तुषार नाम के आदमी पर रजिस्टर है। Come, when are you coming, baby? I'm just missing you so much. Hold up, चलो पकड़ो इसे, ले चलो इसे थाने। Hello, sir. What is this? Hello, sir. Sir, आप मुझे यहाँ क्यों? Sir, मेरी क्या गलती है, sir? रोशनी को जानते हो? रोशनी बाबू, हाँ, नहीं, sir, मुझे नहीं। ये आना आना क्या लगा रखा है? जल्दी से साफ साफ बता दो। मेरा मतलब ये कि रोशनी मेरी दोस्त है सर। दोस्त है नहीं, थी। अरे सुसाइड कर लिया तेरी दोस्त ने। सर, सर कसम से सर, उसकी उसकी सुसाइड से मेरा कुछ लेन देन नहीं है सर। सर ये तो बात मुझे अभी पता चली कि वो उसे सुसाइड कर ली। सर मैं उससे सिर्फ फ्लर्ट करना चाहता था सर। अबे फ्लर्ट कर रहा था या ब्लैकमेल कर रहा था? कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मैं अपना ब्लैकमेल क्यों करूंगा सर उस? तो फिर वीडियो क्यों बनाया? वीडियो सर? प्रशांत दिखाओ इसको इसकी फिल्म। ए चुप, ये देख। सर सर भरोसा करो सर, सर ये वीडियो मैंने नहीं बनाया सर। देख सब कुछ साफ साफ बता दे, नहीं तो यहाँ डर के आगे सिर्फ दर्द होता है, समझा ना? तो मैं मानता हूँ ये वीडियो में मैं हूँ सर, पर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया सर। ट्रस्ट मी सर, ये मैंने नहीं किया सर। प्रशांत जी सर, मुझे सारे वीडियोस दिखाओ, मुझे लगता है ये काम भी इसी गैंग का है। कौन सी गैंग सर? अब क्या बातें कर रहे हो सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। ले जाओ इसे। सर एक मिनट की बात सर, मैंने कसम से सर मेरी बात सर। सर क्या सोच रहे हैं? मेरा शक सही निकला, ये वही सेम गैंग है जिसकी हमें तलाश थी। ये सारे फ्लैट्स में सिर्फ दीवारों के कलर्स बदल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे वीडियोस उसी फ्लैट में शूट किए गए हैं जिस फ्लैट में रोशनी का वीडियो शूट किया गया था। जी सर। दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा। ट्राई करो। Thank you.
ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हम आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉक्सी सर्वर से भेजे जाते हैं ऐसे वीडियोस, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई लीड मिलती है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मैं तो वहां किसी को जानती भी नहीं। अरे मैं हूं, यू कैन स्टे विथ मी। प्रॉब्लम नहीं हुई। कम से और बताओ क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि तुम कितनी हेल्पफुल हो। आई मीन कौन करता है ऐसे हेल्प? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें जितने दिन चाहिए तुम यहाँ रह सकती हो। प्लीज फील कंफर्टेबल एंड प्लीज फील होम। ओके, थैंक्स सो मच। थैंक्स मत बोलो, केमिस्ट्री बोलो। हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं फेसबुक पे, और वो तो पता चल ही जाता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। Anyways, तुम बहुत टायर्ड लग रही हो। Yeah. You wanna go take a shower? That's it. अच्छा, listen, be comfortable. और left tap से hot water और राइट से चिल, और तुम्हें कोई देख नहीं रहा है तो आराम से। हाँ वो तो पता है, क्योंकि अब मैं देखूंगी तुमको। लड़की, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। क्या सोचा था तुमने? बहुत स्मार्ट हो। वैसे स्मार्ट तो बहुत हो, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा तुमने, लेकिन दीवारों के कलर जरूर बदलती रही। हाँ, क्यों किया ये सब? बोलो जल्दी, क्यों किया ये सब? सर, मैं तो मुंबई फैशन डिजाइनर बनने आई थी, पर यहाँ की स्ट्रगल, हार्ड लाइफ से कोप अप नहीं कर पाई, और पैसों के लिए स्मॉल टाउन गर्ल्स को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजती थी, एम्बिशियस लड़कियों को करियर अपॉर्चुनिटीज देकर क्या बुला लिया करती थी, और फिर उनकी लाइव वीडियोस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया करती थी। पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका मिल गया था मुझे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर रोशनी को बुलाया। ये सब नहीं करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक लड़की होकर लड़कियों के साथ ये करती हो। सच सबके सामने था। श्वेता, जो कि रोशनी के सामने उसका सहारा बन रही थी, वही उसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रही थी। श्वेता को आईपीसी की धारा 306 के तहत रोशनी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में और सेक्शन 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं तुषार को भी आईपीसी की धारा 306 के तहत रोशनी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। शौक जब आदत बन जाता है तो ये परेशानी का कारण भी बन सकता है।
आज के इस तकनीकी दौर में इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इसीलिए इसे तीसरी दुनिया का नाम भी दिया गया है। एक तरफ जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ विकृत मानसिकता के लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आज साइबर क्राइम हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले साल यानी कि साल 2013 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 2000 से भी ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस दर्ज किए गए हैं और अगर इसी साल के अभी तक आए हुए आंकड़ों की माने तो पिछले साल के मुकाबले उनमें 51% की बढ़ोतरी हुई है। आपत्तिजनक तस्वीरों से लेकर चोरी छुपे बनाए गए वीडियोस हर रोज इंटरनेट पर अपलोड किए जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब पूरी दुनिया आपकी निजी जिंदगी में दाखिल हो जाती है और उस पर नजर बनाए रखती है। ये काम कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, कुछ मजे के लिए, तो कुछ अपनी रंजिश निकालने के लिए। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अगर हम कभी भी ऐसी किसी घटना को देखते हैं तो उसका पूरा विरोध करें और फौरन पुलिस को इत्तला दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो सावधान।